नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुएट लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इससे पिछले लेक्चर में हमने यह दोनों सिस्टम्स पढ़े थे, अब हम डिफरेंसेस देखते हैं जिससे यह टॉपिक आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, यानी कि जो सरकार का प्रमुख है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति सरकार के प्रमुख होते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति संसदीय शासन व्यवस्था में केवल नाम मात्र का होता है, यानी टिट्यूलर हेड होता है। उसी प्रकार हम ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन में वहां की जो मोनार्क है, वहां जो क्वीन है एलिजाबेथ 2, वो केवल नाम मात्र की प्रमुख है, जबकि वास्तविक शक्ति जो होती है सरकार की वो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मंत्री मंडल के पास होती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा होता है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, यानी जो सरकार का मुखिया होता है वही सरकार का रियल हेड भी होता है। दूसरी चीज ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है इनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप होता है, यानी कि इनके बीच में जो संबंध होता है बहुत निकट होता है। कैसे? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार उसी की होती है जिसको कि संसद में, संसद से मेरा मतलब है संसद के निचले सदन में, अगर भारत की बात करें तो लोकसभा में, या यहाँ पे ब्रिटेन की बात करेंगे तो हाउस ऑफ कॉमन्स में, जिसके पास मेजोरिटी होती है, यानी जिसके पास बहुमत होता है वही सरकार बनाता है। जबकि संसदीय, जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में, यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, एग्जीक्यूटिव जो है पूरी तरीके से लेजिस्लेचर से सेपरेट होता है, यानी कि वहां पर कार्यपालिका और विधायिका का आपस में कोई संबंध नहीं होता। कार्यपालिका का निर्वाचन अलग होता है और विधायिका का निर्वाचन अलग होता है, यानी एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं होता। तीसरा पॉइंट ये है कि एग्जीक्यूटिव जो होता है वो इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। संसदीय शासन व्यवस्था में अब देखने को मिलता है कि जो हमारी सरकार है वो अकाउंटेबल है, यानी वो आंसरेबल है टू द लेजिस्लेचर, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। हम जानते हैं कि सरकार से समय समय पर विपक्ष द्वारा या सरकार के भी जो अन्य सदस्य हैं उनके द्वारा, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है उसके सदस्य विभिन्न विषयों पर संसद में सवाल पूछते रहते हैं। आप जानते हैं क्वेश्चन आर एक होता है, उसमें सवाल पूछे जाते हैं सरकार से, यानी सरकार जवाबदेह होती है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो कार्यपालिका होती है वो संसद के प्रति, यानी लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक व्यक्ति हेड ऑफ द स्टेट होता है और एक व्यक्ति हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, यानी कि यहाँ पे दो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। जैसे भारत में हेड ऑफ द स्टेट है हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, यानी दो व्यक्ति हैं अलग अलग। उसी प्रकार से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यहाँ अंतर क्या आ जाता है कि यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही व्यक्ति होता है। जैसे हम देखते हैं यूएस में जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ यूएस एज वेल एज ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट देयर। तो वो सरकार के भी मुखिया है और राज प्रमुख तो वो है ही। इसके अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक पॉलिटिकल होमोजेनिटी एग्जिस्ट करती है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब है कि यहां पर क्योंकि एक ही पार्टी के लोग होते हैं, यानी कि जो सरकार में मंत्री हैं वो एक ही पार्टी या एक ही विचारधारा के लोग होते हैं, एक ही गठबंधन के लोग होते हैं, इसलिए यहाँ राजनीतिक रूप से समरूपता बनी रहती है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पॉलिटिकल होमोजेनिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मे नॉट एग्जिस्ट, यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी कि जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति ने अपने मंत्री के तौर पर नियुक्त किया है, जिसको वहां पे सेक्रेटरी बोलते हैं यूएस में, वो हो सकता है कि उसका जो थॉट है या उसकी जो विचारधारा है वो राष्ट्रपति की पार्टी से मिलती हो, नहीं भी मिलती हो, लेकिन अगर उसको मंत्री नियुक्त कर दिया है प्रेसिडेंट ने तो वो वहां पर काम करेगा। तो वहां पर हमें ये जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल होमोजेनिटी मिले या ना मिले। अब देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रधानमंत्री का पद जो होता है बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, यानी प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण भी है और सबसे शक्तिशाली पद भी है। हम बोल सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में अगर कोई सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है तो वो प्रधानमंत्री है, जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में ये चीज राष्ट्रपति के लिए लागू होती है, वहां पे प्रेसिडेंट इज मोस्ट पावरफुल। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रधानमंत्री होता है वो अपने मंत्रियों को, जिनको भी अपॉइंट करता है, उन्हें पार्लियामेंट का सदस्य होना आवश्यक है। क्या मतलब है इस चीज का? यानी प्रधानमंत्री अपना मंत्री जिनको भी बनाएंगे अपने मंत्रिमंडल में या मंत्री परिषद में, उनके जो भी सदस्य होंगे उनको संसद का सदस्य होना आवश्यक है। यानी कि
जो भी व्यक्ति मंत्री बनेगा वो पार्लियामेंट का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो अपर हाउस से सदस्य हो चाहे वो लोअर हाउस से सदस्य हो। इन केस कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बन भी जाता है, जैसे भारत में व्यवस्था है, अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन भी जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर भीतर संसद के किसी भी सदन की, चाहे अपर हाउस की चाहे लोअर हाउस की, सदस्यता ग्रहण करनी होती है, अन्यथा उसका मंत्री पद चला जाएगा, वो मंत्री बना नहीं रह सकता अगर 6 महीने के भीतर वो संसद का सदस्य नहीं बनता है। तो ये बात यहाँ पे स्पष्ट है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो भी मंत्री होता है वो संसद का सदस्य जरूर होता है। वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो राष्ट्रपति होते हैं वो उन व्यक्तियों को अपॉइंट करते हैं, मतलब आउटसाइडर जो कि लेजिस्लेचर के सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर है प्योरली, और वहां पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री जो होता है संसदीय व्यवस्था में, किसी भी समय, यानी कि प्रधानमंत्री संसदीय शासन व्यवस्था में लोअर हाउस को, जैसे भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री संसद को, संसद से मतलब होता है लोअर हाउस को, किसी भी समय डिसॉल्व कर सकते हैं उसके निर्धारित समय से पहले। जैसे लोकसभा का निर्धारित समय है 5 वर्ष का, तो अगर प्रधानमंत्री चाहें तो समय से पहले लोकसभा को भंग कर सकते हैं, जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में प्रेसिडेंट लोअर हाउस को डिसॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज सेपरेशन, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर के इलेक्शन अलग होते हैं, एग्जीक्यूटिव के इलेक्शंस अलग होते हैं। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो टेन्योर होता है गवर्नमेंट का, यानी कि सरकार का कार्यकाल, अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री का या सरकार का कार्यकाल क्या होता है तो हम सामान्यतः बोलते हैं 5 वर्ष। क्यों बोलते हैं 5 वर्ष? क्योंकि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन सरकार का कार्यकाल डिपेंड करता है कि जब तक कि उसकी मेजॉरिटी है लोकसभा में, यानी कि भारत की अगर मैं बात करूं, जब तक कि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है तब तक वो सरकार चलेगी। अगर उसका लोकसभा में बहुमत 1 या 2 सीट भी कम हो जाती है तो वो सरकार गिर जाएगी। 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो है वो एकमात्र वोट से, सिर्फ एक वोट न होने के कारण, एक वोट कम होने के कारण गिर गई थी। तो कहने का मतलब ये है 5 साल तब चलेगी जब 5 साल तक पूरा उसके पास बहुमत बना रहे। अगर 1 सीट भी कम हो जाती है मेजॉरिटी मार्क से, अगर सरकार जो है 1 सीट भी उसकी कम होती है तो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में अगर वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती तो वो सरकार गिर जाती है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता, वहां पर सरकार का कार्यकाल फिक्स होता है। जैसे हम अमेरिका में देखते हैं तो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि जो सरकार होती है वहां पर, उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, वो कार्यकाल फिक्स है, यानी सरकार समय से पहले भंग नहीं होती, 4 साल बाद ही फिर क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमें फ्यूजन ऑफ पावर देखने को मिलता है। फ्यूजन ऑफ पावर का मतलब है यहाँ पे शक्तियों का संयोजन है, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे संसद जो मंत्री है वो संसद का सदस्य भी है और जो मंत्री है वो मंत्री भी है, यानी कि यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर है, शक्तियों का संयोजन है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर है, हमें यहाँ पे दिखता है कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में और अध्यक्ष शासन व्यवस्था में इस प्रकार से मेजर जो है अंतर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर हमने समझा कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या क्या अंतर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।